हेलो एवरीवन, टुडे वी आर कमिंग बैक विथ अवर लेक्चर नंबर 8 ऑफ दिस सीरीज, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिसिटी, एक्सरे एंड लेजर। इन दिस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक पॉपुलेशन इन्वर्शन पंपिंग मेथड एचई एनी लेजर। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने लेजर का इंट्रोडक्शन देखा था। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज उसके स्टडी किए थे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्चुअल में लेज़र कैसे, एक्चुअल में वो उसका ओरिजिन कैसे होता है। ओके, किस तरह से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, वो आज के लेक्चर का टॉपिक है। ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड। तो देखो, फर्स्ट क्या है, पॉपुलेशन इन्वर्जन इंट्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, ओके, वो कितने है? उसके नंबर्स को ही बोला जाता है पॉपुलेशन। ओके, इन्वर्जन मीन्स इन्वर्ट होना। ओके, तो ये इसका मीनिंग हम देखेंगे। देखो तो क्या लिखा है, देखो, पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स ऑक्यूपाइंग एन एनर्जी स्टेट। मतलब ऐसे एटम्स की जिसकी कुछ एनर्जी स्टेट है। ओके, जो ग्राउंड स्टेट में होंगे, फिर बाद में एक्साइट होकर वो एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकते हैं, ऐसे एटम्स। ओके, उस एटम्स का जो नंबरिंग है उसी को एक्चुअली बोला जाता है यहाँ पे पॉपुलेशन। ओके, सो देखो इस तरह से वो शो किया जाता है ये एटम्स। यहाँ पे देखो, ये एनर्जी स्टेट है, ये जो E2 लिखा हुआ है वो एक्चुअली एनर्जी स्टेट शो कर रहा है, और जो N2 लिखा है ये नंबर ऑफ एटम्स शो कर रहा है। ओके, और ये एटम्स देखो यहाँ पे। ओके, इस तरह से वो स्टेट में रहते हैं। यूजुअली पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट, दैट इज ग्राउंड स्टेट, ओके, इज हाई एंड दैट ऑफ हायर एनर्जी लेवल इज लो। मतलब क्या है कि जनरली क्या होता है कि ग्राउंड स्टेट में जो पॉपुलेशन है एटम्स की वो कभी भी हाई रहती है एक्साइटेड स्टेट से। देखो ये जो फिगर है यहाँ पे, आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये ग्राउंड स्टेट है जिसका एनर्जी एक्चुअली E1 से शो किया गया है, और जो पॉपुलेशन शो किया है वो N1 से शो किया गया है। तो ये ग्राउंड स्टेट में एक्चुअली एटम्स ज़्यादा है। ओके, और जो सेकेंड है E2, ओके, यहाँ पे देखो पॉपुलेशन कम है। मतलब जनरली ये कंडीशन रहती है ऐसी, N2 इज लेस देन, वेरी वेरी लेस देन N1, ऐसी कंडीशन रहती है। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस स्टिम्युलेटेड इमिशन प्रॉपरली, तो हमें क्या है, लेजर प्रोड्यूस करने के लिए पहले स्टिम्युलेटेड इमिशन बनाना पड़ेगा। हमने देखा था लास्ट टाइम कि स्टिम्युलेटेड इमिशन लेजर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्टिम्युलेशन इमिशन हमें एक्चुअली प्रॉपरली होने के लिए, पॉपुलेशन ऑफ हायर एक्साइटेड स्टेट शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट। ओके, मतलब क्या है कि स्टिम्युलेटेड इमिशन होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट। ओके, तो ये कैसे होगा, ओके, वो अभी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। देखो, तो मेकिंग पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो क्या कैसे होगा, हमें ये जो नीचे जो एटम्स है हम इसको एक्साइट करके ऊपर लेके जा सकते हैं। ओके, मतलब जैसे ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ओके, और एक्साइट हो जाएगा और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ओके, सो मेकिंग पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है कि जहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा एटम्स है और ग्राउंड स्टेट में कम एटम्स है, ओके, जिसकी वजह से देखो यहाँ ये कंडीशन हो रही है, N2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, ओके, मीन्स पॉपुलेशन, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो इसी कंडीशन को एक्चुअली क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, दैट इज मेकिंग N2 वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, ओके, पॉपुलेशन इन्वर्जन का एक कंडीशन है। मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। ओके, ग्राउंड स्टेट से जो एटम है ज़्यादा है। ओके, ऐसी कंडीशन जो होती है उसे क्या एक्चुअली क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन। ओके, ये क्यों किया जाता है, स्टिम्युलेटेड इमिशन होने के लिए ये कंडीशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, लेज़र के लिए स्टिम्युलेटेड इमिशन इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और वो स्टिम्युलेटेड इमिशन होने के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसे और एक नाम क्या है, इन्वर्टेड पॉपुलेशन भी बोला जाता है। ओके, इन्वर्टेड पॉपुलेशन भी इसे बोला जाता है। ओके, तो ये एक्चुअली पॉपुलेशन इन्वर्जन का इंट्रोडक्शन है, इसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो हम आगे देखते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट देखते हैं देखो, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का डेफिनेशन देखते हैं अभी। पॉपुलेशन इन्वर्जन तो हमें पता चल गया कि क्या होता है एक्चुअली, ओके कि जिसमें एक्चुअली जो हायर एनर्जी हायर स्टेट है मतलब एक्साइटेड स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राउंड स्टेट, ओके। सो मेकिंग पॉपुलेशन ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इन हायर एनर्जी लेवल दैट इज N2, ओके। हायर एनर्जी लेवल्स है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो N2 है, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी लेवल N1 इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। मतलब जो N2 है मतलब जो पॉपुलेशन हायर एनर्जी स्टेट में है वो N1 से मतलब किससे ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट से भी ज़्यादा करना, इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये एक्चुअली पॉपुलेशन इन्वर्जन का डेफिनेशन है, मेकिंग पॉपुलेशन ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इन अ हायर एनर्जी लेवल N2 मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी लेवल N1 इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। और सिस्टम इन विच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड इज कॉल्ड एज एक्टिव सिस्टम। और जिस सिस्टम में ये सब अचीव होता है एक्चुअली, मतलब जो सिस्टम है जहाँ पे ये एक्चुअली ये कंडीशन बनाई जाती है, ओके जैसे यहाँ पे ये कंडीशन देखो बनाई गई है, ओके तो उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, एक्टिव सिस्टम बोला जाता है, ओके या फिर एक्टिव मीडियम बोला जाता है उसको, ओके। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग, ओके। ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या है कि जो लोअर स्टेट है जो हमने देखा था E1, यहाँ से अगर हम किसी एटम को अगर हायर स्टेट में हम भेजना चाहते, ओके देखो E1 ये हमारा लोअर स्टेट है, तो यहाँ पे एक एटम है उसको हम यहाँ से यहाँ पे भेज रहे हैं E1 में E2 में भेज रहे हैं, मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हैं, तो ये भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पंपिंग प्रोसेस करना पड़ेगा, ओके मीन्स लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर इसको भेजना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे हमें इसको कुछ एनर्जी भी देनी पड़ेगी, ओके ऐसा, ओके तब जाके ये हायर स्टेट में चला जाएगा, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट हायर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पंपिंग। मतलब क्या है कि लोअर जो ग्राउंड स्टेट है वहाँ से अगर किसी एटम को हमें हायर स्टेट पे जो है हायर एक्साइटेड स्टेट है वहाँ पे अगर भेजना है, ओके तो उसके लिए जो प्रोसेस हमें करनी पड़ती है उस प्रोसेस को बोला जाता है पंपिंग, ओके पंपिंग उस प्रोसेस को ही बोला जाता है। और इस पंपिंग के भी अलग अलग मेथड्स है, ओके वो भी हम आगे देखेंगे कि पंपिंग का क्या कह रहे थे। सो ये एक्चुअली पॉपुलेशन इन्वर्जन का डेफिनेशन था। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिव मीडियम देखो क्या होता है। तो देखो क्या है कि द एक्टिव लेजर मीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड गेन मीडियम। इसको एक्टिव मीडियम को हम दूसरा और एक वर्ड है वो है गेन मीडियम, ओके गेन मीडियम भी बोलते हैं या फिर लेजिंग मीडियम भी बोलते हैं। इज द सोर्स ऑफ ऑप्टिकल गेन विद इन अ लेजर। मतलब लेजर के अंदर से हमें एक्टिव जो मीडियम बना जो कंडीशन बन रही है, ओके उसी को एक्चुअली ये बोला जाता है, ओके। सो द गेन इज बिकॉज ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन टू लोअर एनर्जी स्टेट फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट। मतलब क्या है जो गेन है वो एक्चुअली किसके वजह से होता है, स्टिम्युलेटेड इमिशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का और मॉलिक्यूल्स का उसके वजह से ही एक्चुअली ये गेन क्रिएट होता है, ओके। सो लेजर गेन मीडियम इज अ मीडियम विच कैन एम्पलीफाई द पावर ऑफ लाइट। तो जो लेजर गेन मीडियम है वो एक्चुअली कौन सा मीडियम है कि जहाँ पे जो लाइट है उसको एम्पलीफाई किया जाता है, ओके। गेन मीडियम इन अ लेजर कंपेंसेट्स द रिजोनेटर लॉसेस, ओके जो कुछ रिजोनेटर की वजह से जो लॉस होता है तो वो गेन मीडियम वहाँ पे कंपेंसेट करता है। एंड गेन मीडियम एड्स एनर्जी टू एम्पलीफाइड लाइट बाय रिसीविंग सम एनर्जी थ्रू पंपिंग, ओके। तो जो गेन मीडियम है एक्चुअली क्या करता है, एनर्जी वो लाइट जो एम्पलीफाइड लाइट है उसमें एनर्जी भी ऐड करता है, किसके वजह से पंपिंग के थ्रू जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी एक्चुअली इसमें ऐड की जाती है, ओके। इसमें देखो यहाँ पे दिया गया है लोअर लेवल यहाँ पे है, जैसे ही पंपिंग करेंगे हम तो यहाँ पे क्या एटम लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएगा, कुछ टाइम के बाद वो वापस नीचे आएगा और ये वो लेजर ट्रांजिशन यहाँ पे होगा, ओके लेजिंग एक्शन वहाँ पे वो परफॉर्म करेगा, ओके। व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू लेजर मीडियम देन ओनली स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लेजर मीडियम शोज लेजिंग एक्शन, ओके।
दिस पार्ट ऑफ लेजर मीडियम इज कॉल्ड एक्टिव मीडियम और एक्टिव सेंटर्स. ओके, तो क्या होता है, देखो जब भी ये जो एनर्जी है जो एक्चुअली लेजर मीडियम में हम सप्लाई करते हैं, तो उसका जो स्मॉल फ्रैक्शन है वो एक्चुअली लेजिंग एक्शन वहाँ पे शो करता है. लेजिंग एक्शन मतलब क्या है, जो लेजर की तरह वो बिहेव करते हैं. ओके, वो जो लाइट है उसकी तरह वो बिहेव करेगा. दिस पार्ट ऑफ लेजर मीडियम, तो उस पार्ट को एक्चुअली क्या बोला जाता है, एक्टिव मीडियम बोला जाता है या फिर एक्टिव सेंटर्स बोला जाता है. तो हम देखेंगे कि ये एक्टिव मीडियम्स एक्चुअली कैसे होते हैं. ओके, हम HNE लेजर का एक्चुअली कंस्ट्रक्शन भी देखने वाले हैं, तो उसमें हमें पता चली जाएगा. तो देखो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह के लेजर्स रहते हैं. तो देखो, तो एक रूबी लेजर होता है, इन केस ऑफ रूबी लेजर, रूबी लेजर बोला जाता है. तो उसमें क्या क्या रहता है, Al2O3 रहता है. ओके, वो डोप किया जाता है Cr2O3. ओके, डोप मींस क्या रहता है कि दोनों को कंबाइन किया जाता है. ओके, मतलब Cr2O3 है उसके साथ Al2O3 को कंबाइन किया जाता है. हियर आयंस आर एक्टिव सेंटर्स, तो यहाँ पे जो आयंस क्रिएट होते हैं वो एक्चुअली एक्टिव मीडियम का काम करते हैं. ओके, सेकेंड और एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल एक्चुअली हम वापस स्टडी करने वाले हैं, बाद में हमें स्टडी भी करना है डिटेल में. ये क्या है, HNE लेज़र का एग्जाम्पल है. यहाँ पे जो लेज़र प्रोड्यूस होता है वो किसके वजह से होता है, नियॉन एटम के वजह से प्रोड्यूस होता है. ओके, देयरफॉर नियॉन एटम्स यहाँ पे क्या है, एक्टिव सेंटर्स का काम कर रहे हैं, मतलब एक्टिव मीडियम का काम नियॉन ही कर रहा है. ओके, यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए, देखो सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव लेजर मीडिया, सर्टेन क्रिस्टल्स डोप्ड विथ रेयर अर्थ आयंस लाइक अर्बियम और ट्रांजिशन मेटल आयंस लाइक टाइटेनियम और क्रोमियम. मतलब कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स हैं जो डोप किए जाते हैं अर्बियम के साथ और टाइटेनियम और क्रोमियम के साथ. ओके, उनके साथ भी एक्टिव लेजर मीडिया बनता है. फिर नेक्स्ट क्या है कि कुछ ग्लासेस, ओके, सिलिकेट ग्लासेस डोप्ड बाय लेजर एक्टिव आयंस. ओके, ये भी है. फिर गैसेस है, तो HNE गैसेस है. देन सेमीकंडक्टर, गैलियम आर्सेनाइड. ओके, ये भी एक सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है. एंड इंडियम गैलियम आर्सेनाइड. ओके, ये सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है. गैसेस में HNE गैसेस है. ओके, ये हम स्टडी करने हैं, HNE लेज़र जो हम स्टडी करने हैं उसमें वो HNE गैसेस के वजह से ही होता है. ओके, देन लिक्विड्स जो है उसमें कौन से, इन द फॉर्म ऑफ डाई सॉल्यूशन, डाई सॉल्यूशन के फॉर्म में ये एक्चुअली होता है. ओके, तो ये सब एग्जांपल्स है एक्चुअली एक्टिव मीडियम्स कौन से लेज़र के होते हैं उसके एक्चुअली ये एग्जांपल है. ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो पंपिंग मेथड, पंपिंग मेथड कौन से है वो हमें यहाँ पे स्टडी करने वाला है. तो फर्स्ट देखो पंपिंग में इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है, तो हमने पहले भी डेफिनेशन देखी थी, अभी वापस और एक बार देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आइटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एज पंपिंग. ओके, तो क्या होता है, देखो पंपिंग में एक्चुअली क्या रहता है कि जो आइटम्स है लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब ग्राउंड स्टेट में जो आइटम्स है उनको हम कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कुछ उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करने के बाद हायर एक्साइटेड स्टेट में वो एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं. ओके, इसी प्रोसेस को एक्चुअली क्या बोला जाता है, पंपिंग. ओके, तो इसमें और एक एग्जाम्पल है ऑप्टिकल पंपिंग. ओके, तो ऑप्टिकल पंपिंग का डेफिनेशन क्या है, देखो तो द प्रोसेस ऑफ रेजिंग द आइटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट यूजिंग लाइट मीडियम इज कॉल्ड एज पंपिंग. मतलब अगर लाइट अगर प्रोवाइड किया जाता है, लाइट अगर प्रोवाइड किया जाता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. ओके, तो वो टाइम पे जो पंपिंग होता है उस पंपिंग को एक्चुअली बोला जाता है ऑप्टिकल पंपिंग. ओके, सिंपल डेफिनेशन है, जैसे नॉर्मल पंपिंग होता है वैसे ही पंपिंग है. बस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बीच में जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एनर्जी कौन सी रहेगी, एक्चुअली उसको लाइट रहेगी. ओके, लाइट मीडियम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइट रहेगा वो एक्चुअली एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा. वो उस टाइम पे जो पंपिंग रहेगा उसी को बोला जाता है ऑप्टिकल पंपिंग. देयर आर सेवरल मेथड्स टू अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन विच इज़ नेसेसरी फॉर लेजर एक्शन टू टेक प्लेस. ओके, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए बहुत सारे मेथड्स है, तो वो कौन से है वो भी देखेंगे हम लोग आगे. ओके, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए तो अभी ये समझ लो कि ये पंपिंग मेथड्स और ऑप्टिकल पंपिंग एक्चुअली क्या होता है वो यहाँ पे हमें पता चल गया. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन में अलग अलग मेथड्स भी है. ओके,
वो पंपिंग के अलग अलग मेथड्स है वो देखेंगे। तो ऑप्टिकल पंपिंग में देखो क्या क्या है। तो क्या है देखो, यहाँ पे लोअर एनर्जी स्टेट है। देखो ऑप्टिकल पंपिंग इस तरह से रहता है, तो जैसे ही फोटॉन्स आएंगे यहाँ पे, तो E1 से वो कहाँ पे चला जाएगा, देखो E3 पे चला गया, ओके, हायर एक्साइटेड स्टेट पे। फिर ये एक्चुअली बीच में E2 है एंड देन E3 है, ओके। तो ये एक्चुअली मेटास्टेबल स्टेट है। तो E3 से देखो ये अगेन E2 पे आ गया, ओके। तो यहाँ पे E2 पे जैसे आ गया वो, तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया E1 से, एज कम्पेयर टू E1 वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्चुअली प्रोसेस हो रहा है, ओके। तो इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोवाइड किया गया है प्रोटॉन्स, प्रोवाइड किया है प्रोटॉन्स, मतलब लाइट होती है। तो लाइट मीडियम अगर दिया जाता है और उसके बाद अगर वो एटम अगर एक्साइट होकर ऊपर जाता है कि हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तो जो पंपिंग हो रहा है उस पंपिंग को बोला जाता है ऑप्टिकल पंपिंग, ओके। यही चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ऑप्टिकल पंपिंग, अभी देखो जितने भी पंपिंग थे तो उसमें अलग अलग मेथड्स है। तो कैसा है देखो, पहला जो है वो है ऑप्टिकल पंपिंग। तो ऑप्टिकल पंपिंग में एक्चुअली यूजुअली यूज जनरली फॉर सॉलिड स्टेट लेजर्स। तो सॉलिड स्टेट जो लेजर्स रहते हैं वहाँ पे ऑप्टिकल पंपिंग यूज़ होता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है देखो, पहले ज़ेनॉन यूज़ करते हैं फ्लैश लैम्प के लिए, वो क्या करेगा लाइट एब्जॉर्ब करेगा और उसके वजह से फिर लेज़र मीडियम क्रिएट होगा। और वो यहाँ पे जो लेज़र क्रिएट होता है वो कौन सा, रूबी क्रिस्टल का, ओके। नेट लास्ट सब में क्या है कि देखो पॉपुलेशन इन्वर्जन ही है। देन सेकेंड जो मेथड है वो कौन सा है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिक पंपिंग भी बोलते हैं इसको, ओके। इसको इलेक्ट्रिक पंपिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पंपिंग में एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है यहाँ पे गैस के थ्रू, देन यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद वो वहाँ पे लेज़र मीडियम क्रिएट करता है। तो ये इस तरह का लेज़र है वो, उसको वो लेज़र कौन सा है, आर्गन आयन, ओके, मीन्स ARIN, आर्गन आयन। यहाँ पे भी पॉपुलेशन इन्वर्जन। नेक्स्ट देखो क्या है, इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन। तो ये एक्चुअली एग्जाम्पल हम आगे देखने वाले कि HENE लेज़र में इसी का एक्चुअली एग्जाम्पल है। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो एटम्स है वो किसी तरह से एक्साइट किए जाते हैं और देन कोलाइड किया जाता है उसको दूसरे एटम के साथ, एटम ऑफ अप्रोक्सीमेटली सेम एनर्जी फ्रॉम लेज़र मीडियम, मतलब HENE लेज़र में एक्चुअली क्या, हेलियम और नियॉन के जो एटम्स है उनको कोलाइड किया जाता है एक दूसरे के साथ और वहाँ पे भी पॉपुलेशन इन्वर्जन वहाँ पे अचीव किया जाता है। उसके बाद देखो इस तरह का इक्वेशन क्रिएट होता है HE+E, ये एक्चुअली एक्साइटेड स्टेट में रहता है। फिर जो हीलियम रहता है उसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाते हैं, देन एक्साइटेड स्टेट टू मेटास्टेबल स्टेट पे आ जाता है। देन ये जो एक्साइटेड हीलियम है वो अपनी एनर्जी नियॉन को दे देता है एंड देन हीलियम और जो एक्साइटेड नियॉन है कि इस तरह से वो अलग से फॉर्म होता है, ओके। यहाँ पे फिर लेज़र ट्रांजिशन यहाँ पे क्रिएट होता है, ओके। तो ये हम अभी HENE लेज़र का आगे जो स्टडी करेंगे वो टाइम पे ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी आगे का देखते हैं। तो इसमें देखो क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो ये भी एक पंपिंग के लिए एक टाइप है कि केमिकल पंपिंग भी होता है। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ एक तरह किसी भी तरह के केमिकल एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन किया जाता है, उसके बाद एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, वहाँ पे एटम्स को एक्साइट किया जाता है। तो यहाँ पे जो लेज़र क्रिएट होता है उसको डाई लेज़र बोला जाता है, ओके। और फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन उसमें अचीव किया जाता है। तो इसमें क्या रहता है देखो, हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ओके। तो ये देखो इस रिएक्शन से हमें हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में मिल रहा है, ओके। और इस तरह के जो लेज़र रहते हैं वो लेज़र कौन से रहते हैं, डाई लेज़र बोला जाता है, ओके। तो ये सब टाइप्स एक्चुअली किसके है, था पंपिंग के टाइप्स है, जहाँ पे हमें क्या क्या देखने मिला है कि ऑप्टिकल पंपिंग के बारे में पता चला, देन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन मतलब इलेक्ट्रिक पंपिंग भी एक रहता है, देन इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन, ओके। ये वाला हमें मेन है, इसमें हम आगे स्टडी करने वाले हैं इसको वापस फर्दर, HENE लेज़र जब हम स्टडी करेंगे तो इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन ये भी डिटेल में देखेंगे। देन इसी के साथ साथ और एक चीज़ है, मतलब केमिकल रिएक्शन का जो पंपिंग होता है उसी को बोलते हैं कि केमिकल पंपिंग, ओके। वो भी इसके साथ ही आता है, ओके। तो ये सब पंपिंग के टाइप्स थे। नेक्स्ट देखते हैं,
तो देखो ऑप्टिकल पंपिंग, थ्री एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम। तो थ्री एनर्जी लेवल जो है इसमें लेज़र परफेक्ट आता है, इसलिए थ्री एनर्जी लेवल सिस्टम यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो देखो प्रॉपर लेजिंग एक्शन कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग थ्री एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम देन दैट ऑफ टू एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम। तो टू एनर्जी लेवल जो है लेज़र सिस्टम, उससे अच्छा थ्री एनर्जी लेवल में यहाँ पे बनता है। ओके तो थ्री एनर्जी लेवल में एक्चुअली चीज़ क्या होती है, देखो यहाँ पे एन वन है, ये ग्राउंड स्टेट है। यहाँ पे जो एटम्स हैं इनको पहले एक्साइट किया जाता है पंपिंग से, ओके ऑप्टिकल पंपिंग से एक्साइट करके एंड यहाँ पे E3 जो एक ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पे भेजा जाता है। देन ये कुछ लाइफ टाइम यहाँ पे 10^-8 सेकंड का रहता है, यहाँ पे जो लाइफ टाइम रहता है वो 10^-8 सेकंड ऐसे रहता है, ओके जो बहुत कम रहता है। उसके बाद वो वापस क्या होते हैं मेटास्टेबल स्टेट पर आ जाते हैं, और मेटास्टेबल स्टेट में एक्चुअली लाइफ टाइम इधर ज़्यादा रहता है, इधर कितना रहता है 10^-3 सेकंड तक रहता है। ओके अभी देखो 10^-8 और 10^-3 इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा है 10^-3 क्योंकि ये निगेटिव है ना, तो निगेटिव में क्या रहता है जो छोटा वाला रहेगा वही बड़ा दिखाएगा, तो 10^-3 यहाँ पे बड़ा रहेगा। तो ये टाइम ज़्यादा है, तो ये मेटास्टेबल स्टेट में यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुक जाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक रुक जाने की वजह से यहाँ पे देखो पॉपुलेशन बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गया मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया। मतलब क्यों, क्योंकि ये हाई एक्साइटेड स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में एटम्स हो गए। ओके और इसमें फिर क्या हो गया, इंसिडेंट फोटोन यहाँ पे भेजा गया, मतलब ट्रिगरिंग फोटोन है वो यहाँ पे भेजा गया, और उसके वजह से क्या हो गया यहाँ पे जैसे ही ये नीचे आ गया इसके साथ साथ ये दो ऐसे एनर्जीज यहाँ पे निकले। ओके और दोनों का भी क्या है सेम फेज है एंड मोनोक्रोमेटिक भी है, कोहेरेंट भी है और मोनोक्रोमेटिक भी है, जिस तरह से ये लेज़र प्रोड्यूस होता है। ओके तो ये थ्री एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम में इस तरह से ये सब होता है। तो इसको हम अभी वर्डिंग में भी देखेंगे, तो क्या कह रहे देखो, ऑप्टिकल पंपिंग दैट इज़ फोटोन ऑफ एनर्जी H3 मतलब क्या है कि जो एक्चुअली वन मीन्स कौन सा, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से वो थर्ड स्टेट पे वहाँ पे चला गया। इज इंसिडेंट एज ए शोन बिकॉज ऑफ विच एटम्स गेट एक्साइटेड फ्रॉम एनर्जी लेवल E1 टू एनर्जी लेवल E3, इसलिए वो H3 लिख रिस्पेंड किया है, मतलब E1 से वो E3 तक गया है। ओके देन उसके बाद क्या हो रहा है कि एटम्स रिलैक्स हो रहा है वहाँ पे कुछ थोड़े से टाइम के लिए, मतलब वेरी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए, और वो टाइम कितना है लेस देन 10^-9 सेकंड है, मतलब 10^-8 सेकंड ही रहता है टाइम, एंड हेंस एटम मेक्स ट्रांजिशन टू एनर्जी लेवल E2, फिर वो E3 से E2 तक आ गया वापस, E3 से E2 तक हमने देखा। तो दिस ट्रांजिशन इज नॉट इन द विजिबल रेंज, ओके एंड एनर्जी लेवल E2 इज मेटास्टेबल, तो ये विजिबल रेंज में नहीं था ये ट्रांजिशन, और जो E2 जो लेवल है वो मेटास्टेबल स्टेट है, उसका लाइफ टाइम कितना है 10^-6 से लेकर 10^-3 सेकंड तक है। ओके मतलब ज़्यादा है ये टाइम से, ये टाइम ज़्यादा है। ओके हिंस एटम्स रिलैक्स हियर फॉर लॉन्गर टाइम, वही इसलिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि वो एटम वहाँ पे जो मेटास्टेबल स्टेट पे रहेगा वो ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा। हिंस पॉपुलेशन ऑफ एनर्जी लेवल E2 बिकम्स मोर देन, और ज़्यादा टाइम तक रहने की वजह से क्या हो गया वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गया, E2 पे जो पॉपुलेशन है वो E1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए क्या हो गया दैट इज़ मेकिंग N2 वेरी वेरी ग्रेटर देन N1, और ये कंडीशन कौन सा है पॉपुलेशन इन्वर्जन का, रिक्वायर्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन इज डन। तो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया। ओके इफ एटम इज ट्रिगर, अभी इस टाइम पे अगर एटम को हम ट्रिगर करते हैं ड्यू टू एन एक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी H3 तो को यहाँ पे तो ये है H3 यहाँ से ट्रिगर किया अगर एटम को, ओके देन एज एक्साइटेड एटम गेट्स स्टिम्युलेटेड एंड फॉलोज डाउनवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम E2 to E1, और यहाँ पे देखो एक्साइटेड एटम E2 से E1 तक गया, तो ये टाइम पे देखो ऐसे दो यहाँ पे निकलेंगे, लेज़र एक्शन होगा वहाँ पे। सो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द एटम इमिट्स ए फोटोन, तो यहाँ पे क्या होगा ये ऐसे फोटोन इमिट करेगा, ये देखो ऐसे इमिट किया ना वैसे अलॉन्ग विथ द इंसिडेंट फोटोन इन द सेम डिरेक्शन, और इंसिडेंट फोटोन भी उसी डिरेक्शन में होगा, विच प्रोड्यूसेस यूनिडिरेक्शनल, तो वो एक्चुअली प्रोड्यूस करेगा यूनिडिरेक्शनल इंटेंस मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट लेज़र रेडिएशन, तो यही एक्चुअली ये वो लेज़र रेडिएशन। ओके तो इस तरह से था। अभी देखो हमें क्या स्टडी करना है, HeNe लेज़र जिसको हम बोलते हैं हेलियम नियॉन लेज़र, उसका हमें एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्किंग वगैरह सब स्टडी करना है। ओके HeNe गैस लेज़र है, ओके ये गैस लेज़र है
द गैस एटम्स यहाँ पे आर कैरेक्टराइज बाई शार्प एनर्जी लेवल्स एज कम्पेयर टू सॉलिड. तो यहाँ पे गैस एटम्स एक्चुअली रोल प्ले कर रहे हैं. फॉर कंटिन्यूस लेजर बीम गैस लेजर्स आर यूज. तो कंटिन्यूस लेजर बीम के लिए गैस लेजर्स यूज होते हैं. और इसका एडवांटेज भी है गैस लेजर्स यूज करने की वजह से क्योंकि वो उनके हाई मोनोक्रोमेटिसिटी रहती है एंड फ्रिक्वेंसी भी स्टेबल रहती है वहाँ पे. एच ई एन ई गैस लेजर जो है इज कॉमनली यूज टू रीड बार कोड्स. तो ये जो लेजर है एक्चुअली बार कोड्स को रीड करने के लिए एक्चुअली यूज किया जाता है. ओके तो इस तरह से रहता है. ये देखो यहाँ पे एक सिल्वर मिरर रहता है यहाँ पे और ये पार्शियली सिल्वर मिरर रहेगा. ओके एंड ये यहाँ पे डिस्चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पे जो एक्चुअली एक्साइट करने के लिए होगा और यहाँ से फिर लेजर निकलेगा एक्चुअली. ओके हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे आगे. तो देखो कंस्ट्रक्शन देखते हैं एच ई एन ई गैस लेजर का. तो इसमें एक्चुअली है क्या क्या है देखो. तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्यूज्ड क्वार्ट्ज ट्यूब हैविंग लेंथ ऑफ अबाउट 80 सेंटीमीटर. तो ये जो लेंथ है पूरा वो 80 सेंटीमीटर का है और जो इसका डायमीटर है मतलब ये जो डायमीटर है दोनों साइड का वो कितना है 1.5 सेंटीमीटर है. एंड दिस ट्यूब इज फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ. तो ये जो ट्यूब है इसके अंदर जो मिक्सचर है वो कौन सा रहेगा हीलियम एंड नियॉन गैस का. और हीलियम नियॉन गैस का भी कैसा रहेगा 10:1 इस रेशियो में रहेगा 10:1. तो 10 यहाँ पे क्या रहेगा एच ई और 1 यहाँ पे रहेगा एन ई. मीन्स क्या रहेगा कि 90% यहाँ पे हीलियम रहेगा और 10% यहाँ पे नियॉन रहेगा. ओके तो दोनों साइड यहाँ पे देखो एक साइड है परफेक्ट रिफ्लेक्टर और दूसरे साइड है पार्शियल रिफ्लेक्टर. तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है मतलब यहाँ से जो एटम रहेगा वो तो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगा बट पार्शियल रिफ्लेक्टर में क्या होगा कुछ एटम को वो बाहर भेज सकता है. ओके ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर वो छोड़ सकता है यहाँ पे. दिस द एक्टिव मटेरियल इज एक्साइटेड बाय मीन्स ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर. तो जो एक्टिव मटेरियल इसके अंदर जो रहेगा हेलियम नियॉन का तो उसको एक्साइट करने के लिए यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर भी यहाँ पे लगाया गया है. ओके इस तरह से रहेगा. तो ये देखो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे शो किया गया है. देखो इस तरह से रहता है कि यहाँ पे ये साइड तो परफेक्ट रिफ्लेक्टेड है और ये साइड पार्शियल रिफ्लेक्टेड है. पार्शियल रिफ्लेक्टर होने की वजह से देखो ये एक पहले कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ और उसके बाद ये कुछ एटम्स यहाँ पे बाहर जा रहे हैं. तो वही है एक्चुअली लेजर. ओके तो इस तरह से रहता है. इसका वर्किंग देखते हैं. तो वर्किंग में देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो किस वजह से होता है इज प्रोड्यूस इन द गैस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोड से होता है आउटसाइड ट्यूब कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ए हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट. तो ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर ये एक्चुअली उसको एक्साइट करते हैं एंड देन कोलिजन्स होता है एच ई एन ई जो हीलियम और नियॉन जो है वहाँ पे अंदर कोलिजन विद इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डिस्चार्ज एक्साइड एच ई एन नियॉन एटम्स. तो वहाँ पे हीलियम और नियॉन एटम्स को वो कोलिजन्स की वजह से एक्साइट होते हैं देन वो मेटास्टेबल स्टेट पे चले जाते हैं. तो मेटास्टेबल स्टेट की वैल्यूज है हीलियम और नियॉन की वो ये 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और एक का है 20.66 इलेक्ट्रॉन. ओके तो वो हमें देख रहे हैं. देखो यहाँ पे हीलियम का यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट है और ये नियॉन का यहाँ पे है. ओके एक ही लेवल पे आ गया तो इसलिए एनर्जी ट्रांसफर होता है यहाँ पे. एज द नियॉन हायर लेवल्स E4 एंड E6. तो नियॉन का देखो E4 एंड E6 यहाँ पे E4 है यहाँ पे E6 है. ओके आर क्लोज टू एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स H2 एंड H3. तो जो हीलियम का जो एक्साइटेड लेवल्स है H2 और H3 उससे वो क्लोज होने की वजह से वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर इजीली हो सकता है. हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हीलियम एटम्स ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी टू एक्साइटेड नियॉन एटम्स थ्रू कोलिजन इज ग्रेटर. तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी बढ़ गई यहाँ पे कि जो हीलियम एटम्स है उनकी एनर्जी नियॉन एटम्स के साथ ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई है. थस द पर्पज ऑफ हीलियम एटम इज टू हेल्प अचीव पॉपुलेशन इन्वर्जन. तो यहाँ पे क्या हो गया हीलियम एटम्स का पर्पज क्या हो गया कि पॉपुलेशन इन्वर्जन यहाँ पे बढ़ाना यहाँ पे हो गया क्योंकि हीलियम के थ्रू यहाँ पे नियॉन में जाएगा तो इसके वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी. एंड एक्चुअल जो लेजिंग एटम्स है वहाँ पे है वो नियॉन्स ही है. नियॉन्स के थ्रू ही एक्चुअली जो लेजिंग लेजर जो निकल रहा है वो नियॉन के थ्रू ही निकल रहा है. द लेजर ट्रांजिशन इन नियॉन इज फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट एट. तो जो लेजर ट्रांजिशन यहाँ पे जो हो रहा है वो एक्चुअली नियॉन की वजह से हो रहा है और उसकी मेटास्टेबल स्टेट कितनी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एन एक्साइटेड स्टेट एट 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये देखो ये वाले से यहाँ तक जाएगा नीचे तो कितना 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है.
और उसके बाद जो निकलेगा यहाँ से, ये लेज़र है देखो, यहाँ पे जो निकला है वो लेज़र है, ठीक है ना। दिस इज़ द लेज़र हुज नैरो रेड बीम इज़ यूज टू रीड बार कोड। तो यहाँ पे एक फिर रेड कलर का जो बीम निकलेगा उसी को एक्चुअली लेज़र बीम बोलेंगे, ओके। वो एक्चुअली बार कोड्स रीड करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कैसे होगा, देखो हीलियम और फिर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंबाइन होने के बाद फिर क्या होगा, एक्साइटेड हीलियम बनेगा यहाँ पे, ओके। और वही एक्साइटेड हीलियम देन मेटास्टेबल स्टेट में आएगा, ओके, ट्रांसफ़र होगा। देन वो नियॉन के साथ कंबाइन होने के बाद वो नियॉन को भी वहाँ पे एक्साइटेड करा देगा और वहाँ से फिर लेज़र निकलेगा, ओके। तो इस तरह से ये रिएक्शन यहाँ पे बनेगी, ओके ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम था वो इस तरह से है, देखो हीलियम का यहाँ पे, देखो ये हीलियम है पूरा, ये पूरा हीलियम का पार्ट है और दूसरा साइड है वो पूरा नियॉन के लिए, ओके। तो हीलियम में देखो ग्राउंड स्टेट है H1 और एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे क्या है H2 और H3 है, ओके। देन इसमें देखो क्या है, E1 ग्राउंड स्टेट है, देन एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे E2 है, E3 है, E4, E5, E6 है, ओके। उसके बाद क्या होगा, हीलियम से फिर क्या होगा, E6 से E5 यहाँ पे फिर ये मेटास्टेबल स्टेट में आएगा, मतलब बीच में जो रुका है मतलब वो मेटास्टेबल स्टेट है पूरा, ओके। तो ये देखो ये 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्चुअली इसका ये मेटास्टेबल स्टेट की वैल्यू है, ओके। देन ये 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आएगा, फिर यहाँ से ये लेज़र एक्चुअली इमिट करता है, ओके। इस तरह से ये पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम है हीलियम और नियॉन लेज़र के लिए। तो इस तरह से देखो ये बारकोड रीड करने के लिए ये यूज़ होता है, रेड कलर लाइट का रहता है, ओके ना, ये रेड कलर लाइट है, ओके, ये लेज़र है, ओके। कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखो क्या है, मेकिंग पॉपुलेशन ऑफ हायर एनर्जी लेवल मोर देन दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड, तो ये इसको बोला जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अ सिस्टम इन विच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड इज कॉल्ड, तो जो सिस्टम है जिसमें एक्चुअली पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है उस सिस्टम को बोलते हैं एक्टिव सिस्टम। द प्रोसेस इज ऑफ रेजिंग एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, उससे क्या बोला जाता है, पंपिंग। ये देखा है हमने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंपिंग मेथड ऑफ अ लेजर, तो ऑप्टिकल पंपिंग भी मेथड है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी है, केमिकल पंपिंग भी है, जेट पंपिंग नाम का कोई मेथड नहीं है, ओके। इन केस ऑफ HENE लेजर पंपिंग मेथड यूज इज, तो HENE लेजर में कौन सा पंपिंग मेथड है, तो ऑप्टिकल पंपिंग नहीं है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग भी नहीं, केमिकल पंपिंग भी नहीं, इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन, ओके, ये पंपिंग है, इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन, ओके। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉपर लेजिंग एक्शन कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग, तो जो लेजिंग एक्शन है वो प्रॉपरली किस वजह से होता है, थ्री एनर्जी लेवल लेज़र सिस्टम में अच्छे से होता है, ओके, ये हमने देखा है। द एडवांटेजेस ऑफ गैस लेजर्स आर, गैस लेज़र का एडवांटेज कौन सा है, तो पहला ही है हाई मोनोक्रोमेटिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पे मोनोक्रोमेटिसिटी हाई रहती है और स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। मोनोक्रोमेटिसिटी मतलब क्या है कि सिंगल वेवलेंथ, ओके ना, सेम वेवलेंथ, यहाँ पे सेम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, इन HENE लेज़र द ट्यूब इज़ फिल्ड विथ, तो HENE लेज़र में 90% हीलियम रहता है और 10% यहाँ पे नियॉन रहता है, ओके ना। इन HENE लेज़र द मेटास्टेबल स्टेट्स ऑफ HENE वेयर एनर्जी ट्रांसफर थ्रू कोलिजन टेक्स प्लेस आर, तो यहाँ पे HENE लेज़र में जो मेटास्टेबल स्टेट्स की वैल्यू है वो किस तरह है, हीलियम के लिए रहेगी 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड नियॉन के रहेगी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। देन 74 का देखो क्या है, इन HENE लेज़र एक्चुअल लेजिंग एटम्स आर, तो HENE लेज़र में एक्चुअल जो लेजिंग एटम्स है वो कौन से, नियॉन्स है, क्योंकि नियॉन्स के वजह से एक्चुअली वो लेज़र क्रिएट हो रहा है। देन लेज़र गेन मीडियम इज अ मीडियम विच कैन एम्पलीफाई द पावर ऑफ लाइट, ओके। तो जो लेज़र गेन मीडियम है वो एक्चुअली क्या करता है, जो पावर है लाइट का उसको एक्चुअली एम्पलीफाई करने का काम करते हैं, ओके। सो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आवर यूनिट, दैट इज जो हमारा यूनिट है लेज़र का, जो एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिसिटी एक्सरे लेज़र, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है, ओके। लेज़र का पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू हैव क्लियर ऑल दिस थिंग्स अबाउट दी टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।